अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है साद अहमद फ़ारूकी और आज मैं आपको बताने जाऊंगा कि ओप्पो के F11 डिवाइस की आप FRP कैसे अनलॉक कर सकते हैं और बूट लोडर कैसे अनलॉक कर सकते हैं। तो हमारे पास जो सॉफ्टवेयर है SMP के नाम से, उसको हम ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे आपको ओपन करते साथ ही दिखा जाएगा ओप्पो के ऑप्शन में। आपको देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन हैं। यहाँ पर आपको नीचे आ जाना है, एक मिनट में भी देख लेता हूँ। ये आपको मिल जाएगा, यहाँ पर अलग अलग डिवाइस हैं। यहाँ पे एक होगा जो है ओप्पो F11 प्रो, तो बस आपको उनको और या फिर आपके पास कोई और डिवाइस भी हो ओप्पो की, तो उसमें आपको बस क्लिक कर लेना है। और उसको सिलेक्ट करने के बाद आपको ये साइड में बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, तो आपको इन ऑप्शंस पे कर लेना है। अभी आपको अपने डिवाइस को जो है वो डेटा केबल से कनेक्ट नहीं करना है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि अभी तक मैंने अपने डिवाइस को कनेक्ट नहीं किया है, तो आपको जो भी काम करना है उस पर क्लिक किया। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है अनलॉक बूट लोडर, तो अनलॉक बूट लोडर पर आपने यहाँ पर क्लिक किया और यहाँ पे स्टार्ट पे क्लिक कर दिया। तो अभी आपको बता रहा है कि वॉल्यूम अप और वॉल्यूम डाउन का बटन दबाएं और पावर ऑफ करने के बाद, और उसके बाद ये बटन दबा के अपने आप डिवाइस को डेटा केबल से कंप्यूटर से कनेक्ट कर दें। और स्टार्ट में जैसे ही है ना, ये चलता जाएगा और आपकी जो 0 और 1 जो लिखा हुआ है ना, 1%, ये आपका बढ़ना शुरू हो जाएगा। जैसे ही हो जाए आपका डिवाइस बता देगा, आप कर सकते हैं। यहाँ पर आपको और भी बहुत सारी चीज़ें देख जाएंगी, जैसे कि FRP अनलॉक है। आपको सब में सेम यही चीज़ करनी है, स्टार्ट का बटन दबा देना है और हो जाएगा। और यहाँ पे और भी बहुत सारी चीज़ आपको है, जैसे आपको बूट लोडर अनलॉक करना है तो वो भी हो सकता है। और यहाँ पे ओप्पो की बहुत सी डिवाइसेस आपको मिल जाएंगी। F11 है, जिसके पास F11 प्रो नहीं है, वो F11 यूज़ कर, F11 पे भी सब काम कर सकता है। तो उसको ओप्पो की जिस भी डिवाइस पर हो आपका, बस आपको यहाँ पर देख लेना है और आपको ये कर लेना है। और हाँ, आपको आप कंप्यूटर की भी एक सेटिंग देख लेनी है कि आपकी वो जो है डिवाइस जो है वो कौन से ड्राइवर पर है, 64 बिट पर है या 86 बिट पर चल रही है, तो वो भी आपको ज़रूर यहाँ से चेक कर लेनी है। और यहाँ पे MTK किट भी मिल जाएगी। जब आप अपने डिवाइस को कनेक्ट कर देंगे, तो अब आप यहाँ से बहुत सारे काम कर सकते हैं ओप्पो की डिवाइसेस के। और एक और भी मसला आ रहा था बहुत सारे लोगों को कि उनसे ये नहीं हो पा रहा था, तो रीट्राई पर मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि आपको यहाँ पर की पे नहीं जाना, रजिस्टर पर आपको नहीं क्लिक करना, आपको सिर्फ की पे क्लिक करके आपको ओपन कर देना है इसका। और बहुत से लोग पूछ रहे थे कि अपने डिवाइस को रूट कैसे करें, तो आपको मेरे चैनल पे रूट करने की वीडियोस मिल जाएगी। आप सर्च कर लें, नीचे वहाँ पर पड़ी भी होंगी, उनमें से किसी भी वीडियोस को देख लें। थैंक यू, बाय बाय। मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में।